हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरओ एआरओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी राज्य के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है, मेरी फेवरेट रिक्रूटमेंट है ये। जी हाँ फ्रेंड्स, आरओ एंड एआरओ। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि क्या है कि इस बार ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और साल के अंत में आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरओ एआरओ भर्ती के क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या किया है ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स इस बार क्या है कि अधिकारी बनना बहुत ही आसान हो गया है, यानी कि आरओ एआरओ की वैकेंसी आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। टोटल 71 पेज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसलिए मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के हेल्प से आपको दिया है। आप सिंपली हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, akeonlinepoint.com गूगल में सर्च करके, और फर्स्ट में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म 396 वैकेंसी डाउनलोड नोटिफिकेशन। टोटल पोस्ट यहाँ पर 396 है। एंड मैं आपको बता दूंगा कि आप फ्रेंड्स इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इन पदों को क्या है कि भारत के कोई भी नागरिक हो, यानी कहीं से भी हो, कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको बता दें, गवर्नमेंट जॉब रहेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। 17/8/2021 इसकी क्या है कि स्टार्टिंग डेट है, यानी आज से स्टार्ट है। और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर 16/9/2021 रखी गई है। पेमेंट की लास्ट डेट 17/9/2021 रखी गई है। करेक्शन फॉर्म का 18 सितंबर से 21 सितंबर रखा गया है। एग्ज़ाम डेट जल्द ही आपको सूचित कर दिया जाएगा, वैसे साल के अंत में एग्ज़ाम ले लिया जाता है। जनरल ओबीसी की फ़ीस जो है 800 रुपये रखी गई है। अगर आप अदर स्टेट से आवेदन करते हैं तो आपका 600 रुपये यहाँ पर लिया जाएगा, चाहे आप एससी हो या एसटी हो, आपको उत्तर प्रदेश में जनरल में ही रखा जाएगा। एज की बात करें तो 1/7/2021 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 45 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो भी आरक्षण दिया जाता है नियम के अनुसार वो आपको दिया जाएगा। रिव्यू ऑफिसर की 46 पोस्ट है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 350 पोस्ट है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, रिव्यू ऑफिसर के क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थ्रेट टू या इनके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और ओ लेवल का सर्टिफिकेट या तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, नाइलेट का, या फिर आप ट्रिपल सी किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है कि इस बार ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया। लेकिन मैं ट्रिपल सी को शामिल करने का विरोध करता हूँ, क्योंकि ये रिव्यू ऑफिसर यानी कि अधिकारी रैंक की जॉब है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ट्रिपल सी शामिल कर लेते हैं तो इस तरह से भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ओ लेवल यहाँ पर जहाँ रखा जाता है तो उन्होंने सीधा ओ लेवल को हटा के ट्रिपल सी रख दिया। क्योंकि अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, अब छोटी पोस्ट में ट्रिपल सी, मतलब ट्रिपल सी छोटी पोस्ट में रखी जाती है, अब ट्रिपल सी को हटा रहे थे। ECC का क्या है कि क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ट्रिपल सी इसलिए रख दिया, पैसा कमाने के चक्कर में गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से, फिर यहाँ पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो बैचलर डिग्री रखा गया है, उसके बाद फिर से वही सारी सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगी गई है, ट्रिपल सी के कैंडिडेट हैं। और हाँ, यहाँ पर टाइपिंग भी रखा गया है, ठीक है। तो 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है, और इस बार केवल इंग्लिश में टाइपिंग यहाँ पर मांगा गया है, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। और हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम के बाद ही तुरंत आप लोगों का टाइपिंग लिया जाएगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। पहले क्या होता था, पहले एग्ज़ाम प्री होता था, उसके बाद मेंस होता था। यहाँ पर सारे क्लियर कर लिए जाएंगे, एक साथ सारे एग्ज़ाम यहाँ पर ले लिए जाएंगे। हम आपको बता दें, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको ये सारी डिटेल आपको थोड़ा एग्ज़ाम से जुड़ी नोटिफिकेशन में दिखाना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस बार आपका सिंगल एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी दो पार्ट में होंगे। पार्ट वन में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोड आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और टोटल जो नंबर होंगे 200 के होंगे, आप MCQ की, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 रखा जाएगा। ड्यूरेशन यहाँ पर 3 घंटा का रहेगा, यानी कि 180 मिनट का, रिव्यू ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर पार्ट सेकंड में यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा इन इंग्लिश ओनली। फिर मोड ऑफ एग्ज़ाम देख पा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद मैक्सिमम ये 50 का रहेगा, और ड्यूरेशन यहाँ पर आपकी 20 मिनट रखी जाएगी। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्म यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कि सिलेबस यहाँ पर रख दिया गया है। इस तरह से फिर आप नीचे आएंगे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भी दिया गया है,
सेम चीज़ें यहाँ पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी बताई गई है। ठीक है, तो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं द पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट और सेल बी कंडक्ट सेम, आप देख पा रहे हैं सेम टाइम पर, यानी कि पहले उसको उसके बाद 15 मिनट बाद उस दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पर ले लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पर रखी गई है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, इस बार बहुत ही बढ़िया मौका है। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है बहुत जल्द इसका भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।